अगली बड़ी खबर सिरसा से, जहां पर बिजली की दुकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर यह चोरी हुई है। चोरों ने दीवार तोड़कर चोरी को अंजाम दिया और चोरों ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। चोर अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। सतनाम सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं इस खबर पर। सतनाम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ये जो डबली में एक इलेक्ट्रिकल की दुकान है जहां पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खास बात ये रही कि यहां तीन दीवारों को तोड़कर उसमें से जो तीसरी दुकान थी वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर इतने शातिर थे कि क्योंकि उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो रिकॉर्डिंग डीवीआर में है, तो इतने शातिर है कि वो डीवीआर भी अपने साथ लगे ताकि किसी तरह का कोई सबूत जो है उनके खिलाफ ना मिल पाए। फिलहाल पुलिस का दावा है कि वो आसपास के जो और दुकानें हैं उनके सीसीटीवी खंगाल रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी उनकी पहचान की जा सके, और कोशिश यही रहेगी, पुलिस का दावा है कि जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा चोरों को। जी सताम, चोर कितने बेखौफ हैं ये इसी की वानगी है कि पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं चोर। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालांकि पुलिस दावे कर रही है कि उनकी पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है जिस तरह से चोरी की वारदातें होती है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठा दिए हैं, क्योंकि मैं 100 मीटर की दूरी पर है पुलिस स्टेशन है और वहां भी क्योंकि पुलिस मुलाजिम मौजूद हैं, अगर इतनी पास से अगर चोर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। जी बिल्कुल, किसी भी घटना होने के बाद पेट्रोलिंग की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं पहले पेट्रोलिंग की जाती है, क्यों नहीं पहले गश्त की जाती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतनाम, तमाम जानकारी के लिए। चोरी हुई है और कुछ सामान चोरी है, हमने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखी है, उसमें कुछ देख रहे हैं, अभी कल और भी फुटेज देखेंगे। और मैं मौका गया था, उसमें वो फिंगरप्रिंट भी दे दिए हैं, पठान जी एक्सपर्ट दे दिए, बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं।